नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। और आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप लोग के लिए मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि तबीयत ख़राब था, आप लोगों को भी पता है। और आप सभी को धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे लिए डेफिनेटली दुआ किया होगा कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहले से भी काफ़ी बेहतर फील हो रहा है कि मैं आप लोगों के लिए आज से कंटिन्यू वीडियो बना सकता हूँ। और एक चीज़ आप लोग को ज़रूर बताना चाहता हूँ, अगर इन दिनों में किसी का कुछ कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी है, आप लोग मुझे कमेंट या फिर व्हाट्सएप जो भी है मेल कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग मेल भी करते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, आज शायद मैं एक ही वीडियो बना सकता हूँ, टाइम भी काफ़ी लेट हो चुका है। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम में जितने लोग जुड़े हैं उनको वहाँ पर कुछ लेवल्स और इंट्राडे के लिए कुछ 3-4 स्टॉक्स मैं ज़रूर देना चाहूँगा वहाँ पर। और ख़ास करके जितने लोग भी इंट्राडे के ट्रेडिंग करते हो आप लोग जो भी है, और नेक्स्ट कल के लिए मैं कुछ पर्टिकुलर्स और कुछ स्टॉक्स में देना चाहता हूँ, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, चेक करके ज्वाइन कर लीजिए। और जितने लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको वो लेवल्स मिल जाएंगे, और जितने लोग जुड़े नहीं हैं आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लीजिए। डायरेक्टली मैं लेवल्स के ऊपर चलता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। डीएलएफ के ऊपर हम लोग पहले देखेंगे, डीएलएफ के ऊपर हम लोग पहले देखेंगे सपोर्ट रहेगा 345 रुपीज़ का, सॉरी 345 रुपीज़ 15 पैसा का सपोर्ट रहेगा। जैसे ही डीएलएफ अगर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्विंग बनाने जैसा लग रहा है, हो सकता है यहाँ पर एक स्विंग बनाना स्टार्ट करें। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर चलने लगता है तो काफ़ी बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सकता है किसी को वॉइस जो है क्लियर नहीं सुनने को मिल रहा होगा क्योंकि थोड़ा सर्दी अभी भी थोड़ा बहुत है। और आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरी बात समझने के लिए। सपोर्ट रहेगा 345 रुपीज़ 15 पैसा, जैसे ही सपोर्ट के नीचे चलता है सेल कर सकते हो। 341 का पहला टारगेट और 338 रुपीज़ 40 पैसा दूसरा टारगेट रहेगा। याद रखिए 345 रुपीज़ के नीचे अगर जाता है तब सेल करो, 341 338 40 पैसा तक टारगेट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ, 348 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है डीएलएफ का। जैसे ही डीएलएफ 348 के ऊपर चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो। 353 25 पैसा पहला टारगेट और 359 25 पैसा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। याद रखिए 348 आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा डीएलएफ में। जैसे ही 348 के ऊपर डीएलएफ चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो, सॉरी 348 रुपीज़ 80 पैसा। जैसे ही 348 80 पैसे के ऊपर चलने लगता है बाय करिए। 353 25 पैसा आपका पहला टारगेट और 359 25 पैसा दूसरा टारगेट रहेगा। गाइस, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको डीएलएफ का बता दिया हूँ। आगे वीडियो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि काफ़ी सारे लेवल्स मैं देने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा आप लोग के लिए 3-4 स्टॉक जो भी है देने के लिए। और आप लोग प्लीज़ आप लोग लेवल्स नोट करके ही ट्रेड ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स का कैंडल तो इतना अच्छा नहीं बना है, फिर भी एक यहाँ पर एक ब्रेकआउट का एक सिनेरियो बना रहा था जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग अभी दिया हुआ है। एक चीज़ आप लोग ज़रूर दिमाग पे रखिएगा, अगर टाटा मोटर्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में देने जा रहा हूँ वो लेवल के हिसाब से अगर ट्रेड होना स्टार्ट होता है कल, तो आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का सपोर्ट आपको पहले बता देता हूँ, टाटा मोटर्स का सपोर्ट जो है 297 रुपीज़ 45 पैसा, 297 रुपीज़ 45 पैसा का सपोर्ट रहेगा टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स अगर उसके नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 292, दूसरा रहेगा 287 30 पैसा। याद रखिए टाटा मोटर्स अगर 297 45 पैसे के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 292, दूसरा रहेगा 287 रुपीज़ 30 पैसा। और रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, 297 रुपीज़ 45 पैसा का रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही टाटा मोटर्स 297 45 पैसे के ऊपर चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो।
पहला टारगेट रहेगा 300 का, दूसरा रहेगा 30280 पैसा, तीसरा रहेगा 30785 पैसा। याद रखिए, अगर टाटा मोटर्स 297 रुपीज़ 45 पैसे के ऊपर चलने लगता है, आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 300 का, दूसरा रहेगा 30280 पैसा, तीसरा रहेगा 30785 पैसा। गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा। और आज से आप लोग को कंटिन्यू वीडियो ज़रूर मिलेगा, और आज शायद एक ही वीडियो आपको मिल पाएगा। और एक वीडियो का लेवल्स अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और कल उन लेवल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट आपका रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पे भी कुछ लेवल्स आपको मैं देने जा रहा हूँ, खास करके लेवल्स नोट कर लीजिए। 120 रुपीज़ 90 पैसा अशोक लेलैंड का सपोर्ट रहेगा। याद रखिए, अगर अशोक लेलैंड 120 रुपीज़ 90 पैसा का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हो। 119 रुपीज़ 70 पैसा पहला टारगेट, 117 दूसरा टारगेट। याद रखिए, अगर अशोक लेलैंड 120 रुपीज़ 90 पैसा का सपोर्ट के नीचे चलता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 119 रुपीज़ 70 पैसा और दूसरा टारगेट करीबन आपको हो सकता है 117 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 121 रुपीज़ 90 पैसा। 121 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर अगर चलता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 122 रुपीज़ 90 पैसा और 122 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर चलता है 124.70 पैसा, दूसरा रहेगा 127 रुपीज़ 30 पैसा। याद रखिए, अगर अशोक लेलैंड 121.90 पैसा के ऊपर चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 122 रुपीज़ 90 पैसा, दूसरा रहेगा 124.70 पैसा, उसके ऊपर चलता है 127 रुपीज़ 30 पैसा। यहाँ तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको सारे के सारे मिल गए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लिए दुआ ज़रूर करेगा। और जितना भी तबीयत तरीका थोड़ा बहुत अभी भी ख़राब है, तुरंत मैं अगर सही हो जाता हूँ तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और किसी को अगर मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, चेक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आखिरी स्टॉक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आपका रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक। शायद हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था, 200 तक का कुछ लेवल्स हमने डिस्कस किया था। एक बार 90 के आसपास का लेवल और 200 का लेवल हमने प्लान किया था। 190 का लेवल तो हिट हो गया, उसके बाद नीचे आया था, अगेन अभी 200 का टारगेट हिट किया हुआ है। तो नेक्स्ट अभी कहाँ तक लेवल रहेगा, क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले सपोर्ट पे चलते हैं। सपोर्ट रहेगा 194 रुपीज़ 75 पैसा। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक 194 रुपीज़ 75 पैसे के नीचे अगर चलता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 192 रुपीज़ 65 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 190 रुपीज़ 55 पैसा। याद रखिए, 194 रुपीज़ 75 पैसा का सपोर्ट है, उसके नीचे चलता है तभी आपको सेल करना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 192 रुपीज़ 65 पैसा, उसके नीचे भी चलता है 190 रुपीज़ 55 पैसा। रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 198 रुपीज़ 80 पैसा। जैसे ही 198.80 पैसा के ऊपर अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक चलता है आप लोग बाई कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 202.90 पैसा, दूसरा रहेगा 200 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 202.90 पैसा, उसके ऊपर भी चलता है 204.95 पैसा और डायरेक्टली 207 तक भी इसका टारगेट है। याद रखिए, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक 198.80 पैसा के ऊपर चलने लगता है, पहला टारगेट 200 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, दूसरा रहेगा 202.90 पैसा, तीसरा रहेगा 204.95 पैसा, तीसरा 207 तक टारगेट रहेगा।
आई होप गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इन लेवल्स के ऊपर पैसा कमाना, लेवल्स नोट करके ट्रेड ज़रूर कर लीजिए और आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको और कुछ स्टॉक्स की डिटेल अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और मैं बाद में डेफिनेटली उन लेवल्स की लेवल्स आपको मैं टेलीग्राम के द्वारा अपडेट करूँगा। और कल से हम लोग दोबारा दो दो वीडियो के ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।